गहलोत साहब ने कहा कि इनकी रगड़ाई नहीं हुई। गहलोत साहब 1980 में 29 वर्ष की उम्र में आप सांसद बने, 1984 में 33 वर्ष की उम्र में आप केंद्रीय मंत्री बने और 1998 में 47 वर्ष की उम्र में आप मुख्यमंत्री बने। और इधर पायलट साहब की बात करूं, 27 वर्ष में सांसद बने 2009 में, 32 वर्ष में केंद्रीय मंत्री बने और 43 वर्ष की उम्र में डिप्टी सीएम बने। अब ये रगड़ाई किसकी कैसे होनी चाहिए थी? मुख्यमंत्री जी खुद कहते, 1.5 साल से मैंने मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री से संवाद नहीं किया, जब तूफान तो आना ही था। इन्होंने जिस प्रकार की उपमाएं दी, नकारा, निकम्मा, बेशरम, तिकड़मबाज, मैं समझता हूं कि आज जो एक अध्यक्ष महोदय पर्यटन विभाग का एक स्लोगन है जाने क्या दिख जाए, राजस्थान का जाने क्या दिख जाए, और सरकार का स्लोगन है मुख्यमंत्री जी जाने क्या हो जाए, कोई मालूम नहीं जाने क्या हो जाए। आज प्रदेश कांग्रेस में जिनका नेतृत्व रहा 6.5 साल तक, वो अध्यक्ष टोंक से आने वाले मान्य सदस्य, यूथ कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष लाडनू से आने वाले मान्य सदस्य, सेवा दल को चलाने वाले मसूदा से आने वाले मान्य सदस्य, आज ये सब के सब लोग एक तरह से तिरस्कार की भावना। अध्यक्ष जी, जब आपने मेरी सीट में बदलाव किया, मैं सुबह 10:45 बजे हाउस के अंदर आया और सीट को यहाँ पर पाया। मैं बहुत लंबा इंटरवेंशन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन पहले जब मैं वहाँ बैठता था तो सुरक्षित था, सरकार का हिस्सा था। फिर मैंने सोचा कि अध्यक्ष महोदय ने और हमारे चीफ व्हिप साहब ने मेरी सीट यहाँ पर क्यों रखी है। 2 मिनट मैंने सोचा और फिर देखा कि ये सरद है, पक्ष है, विपक्ष है, और सरद पर किसको भेजा जाता है? सबसे मजबूत योद्धा को भेजा जाता है। और आज इस विश्वास मत में जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सी बातें बोली गई, बहुत सी बातें बोली जाएंगी। समय के साथ साथ सब बातों का खुलासा होगा। आज मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, जो कुछ कहना था सुनना था, चाहे मैं हूं चाहे मेरा कोई साथी हो, हम लोगों ने जिस डॉक्टर के पास अपनी मर्ज को बताना था वो बता दिया। इलाज कराने के बाद हम सब लोग, आज 125 लोग यहाँ सदन में खड़े हैं, और सदन के अंदर जब हम सब लोग आए हैं तो कहने सुनने वाली बातों को परे हटकर आज वास्तविकता पर ध्यान देना पड़ेगा। धरातल पर जब हमने कल संकल्प लिया, बैठकर बातें करी, सारी बात खत्म करकर आज सदन में जब प्रवेश किया है तो इस सरहद पर कितनी भी गोलाबारी हो, हम सब लोग और मैं कवच और ढाल, गदा और भाला बनकर यहां पर सुरक्षित रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब्सक्राइब करें।